ये देखिए गाइस, सूजी और आलू का स्नैक, जिसको आप चाय के साथ, कॉफी के साथ या सेजवान चटनी, मेयोनीज, इनके सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसानी से बनाएंगे और एक बार बना के रख लीजिए तो 2 या 3 दिन आराम से चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं एक यम्मी सा नाश्ता, सूजी का नाश्ता। तो ये हमारी 1 कटोरी सूजी, 1 हरा मिर्च और थोड़ी सी हमने 2 स्पून करीब बीन्स ले ली हैं, 2 आलू लिए हुए हैं उबॉयल हुए, 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 टमाटर जिसको हमने महीन चॉप कर लिया। तो चलिए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। ये देखिए गाइस, जिस कटोरी भर के हमें सूजी ले ली है उसी कटोरी भर के हमें सूजी से डबल पानी लेना है। तो ये 1 कटोरी और ये हुआ 2 कटोरी, ठीक है। इसी कटोरी के भर की सूजी है तो इसी कटोरी भर से 2 कटोरी पानी लेना है। इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। देख सकते हैं गाइस, हमारा बॉयल होने लगा है पानी, ठीक है। तो इसको धीमा, फ्लेम को धीमा कर देंगे। 2 पिंच हींग डालेंगे, 2 चुटकी अजवाइन पिसी हुई है, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब ये देखिए टमाटर ऐड करेंगे इसी में, ठीक है, और प्याज और ये बीन्स, ठीक है। हरा मिर्च हो हरा डाल लीजिए, लाल हो लाल डाल लीजिए। और बस अब इसको 1 बॉयल देना है, ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 बॉयल, ठीक है। तो इसको हम ढक देंगे और 1 बॉयल आने देंगे। ये देखिए गाइस, 2 आलू हैं, इनको हम ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे अभी। ये देखिए मीडियम साइज का ग्रेटर है, इसे हम अपना 1 आलू इसी में ग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए आराम से, और ये फूल भी जाएगा और सेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं। एक बात और गाइस, इसमें सब्जियां अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। और देखिए जो नमक हमने ऐड किया उसमें सारे मसाले थे, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने इस मसाले को बनाना बताया है, नमक को, तो उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको ठंडा होने के बाद मिलते हैं। ये देखिए गाइस, ठंडा हो चुका है, बट बहुत ठंडा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ठंडा करना भी नहीं है, वरना सूजी है कड़ी हो जाएगी। तो इसको अब हम थोड़ा सा मसल लेंगे अच्छे से करते हुए। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है हाथ में लगा के, और इसको अब हम मसल के डो की तरह कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, पालक हमने ले ली है 2 स्पून, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। आप इसकी जगह धनिया भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको मिला लेंगे। ये देखिए गाइस, 1 कटोरी में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, ऑयल घी आप जो जिसमें बनाए, और उसके बाद में हाथ पर ऐसे लगाकर इनकी गोल गोल टिक्कियां तैयार करेंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसे कम तेल में भी बनाना बताएंगे और डीप फ्राई करना भी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये पतली पतली हमें टिक्किया तैयार करनी है इस तरह से। तो ये बन चुकी है, इस तरह से बना के हम रख लेंगे इस तरह से, अलग प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से सारी बना लेंगे टिक्किया, ठीक है, इस तरह से करते हुए, इस तरह से। ये देखिए गाइस, सारे बन चुके हैं, और इतने हम फ्राई करेंगे और इतने हम फ्रिज में बना के रख देंगे। ये 2 से 3 आप दिन ऐसे ही बना के रख सकते हैं, और जब जरूरत हो बस तुरंत फ्राई करिए और सर्व कर दीजिए। तो इसको हम ऐसे बंद करके रख देंगे, ये बच्चों के नाश्ते में, लंच में, सब में आप दे सकते हो आराम से। ये देखिए गाइस, हमने ऑयल रख दिया था फ्राई होने के लिए, तो आप इसमें हम एक एक करके डाल देंगे, और जितनी हमारी पड़ जाएंगी बस उतनी ही हमें डालनी है। यही गाइस, इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होने में लगभग 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकता है, गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी फ्राई होगा। और अभी इसको टच भी नहीं करना है क्योंकि नाजुक है, टूट सकता है। और गाइस, इसको आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी, तो हम आज डीप फ्राई करके बता रहे हैं आपको। अगर आप सेलो फ्राई करके खाना चाहते हैं तो आप तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाइए और इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए गाइस, हमने थोड़ा सा तवा रख लिया अपना, जिसपे हम रोटियां बनाते हैं, नॉर्मली तवा है, और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस पर हम आपको सेलो फ्राई करके दिखाएंगे।
ये देखिए ऑयल लगा लिया था, इस पर हो चुका है। तो अब हम इस पर एक टिक्की रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, इसको भी अभी टच नहीं करेंगे जब तक नीचे से क्रिस्पी सिक नहीं जाती। ये देखिए गाइस हो चुकी है, अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस इसी तरह से सारी बना लेंगे। और गाइस इसमें ये ध्यान जरूर रखने वाली बातें हैं कि इसको धीमी फ्लेम पर ना करें, वरना ये सारी बिखर जाएगी, अच्छे से नहीं बनेगी। ये देखिए गाइस, ये देखिए सैलो फ्राई वाली भी हमारी हो चुकी है सिंपल तवे पर, तो इनको भी हम अलग हटा के रख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट भी हम फ्राई कर देंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा बनकर रेडी है बिल्कुल नाश्ता। कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में ही और कितना यम्मी। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई वाला है, ठीक है, जो हमने कढ़ाई में डालकर फ्राई किया। तो इसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए हमें ये थोड़ा कम अच्छा लगा और ये ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा बहुत कम है। जैसे आप आलू की टिक्कियां फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई कर सकते हैं। और इनके आगे तो आप सही बता रहे हैं कि आलू की टिक्की भी फेल है, आलू की टिक्की खाना आप भूल जाएंगे, इतना क्रिस्पी और इतना यम्मी नाश्ता है। तो चलिए, और गाइस इस नाश्ते को आप जैम या फिर चिली सॉस या शेजवान चटनी, चाय के साथ किसी तरह से भी यूज करिए, दही के साथ बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगेगा। तो आज की हमारी ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।